Good morning, ladies and gentlemen. Fair law practitioners, Colonel Atul Tyagi, advocate and associates, welcome you. Fair law practitioners as a team is constantly seized with the issue of divorce. हमारी टीम बराबर केसेस के थ्रू ये सर्च करती रहती है, डिग करती रहती है कि ये डिवोर्स एक्सपेंशन पर क्यों है. सोसाइटी में डिवोर्स, पर्टिकुलरली हिंदू लॉज में, जहां पर एक सक्रामेंट की तरह मैरिज को बताया गया है, वहां पर यह रूट्स कैसे ले गया है. जेंटलमैन, वी डू लॉट ऑफ सर्च एंड फाइंड आउट थ्रू द केस फाइल्स एंड आफ्टर इंटरव्यूइंग द क्लाइंट्स. और वह तथ्य मैं आपके सामने रखने के लिए प्रेरित हूं, जिससे कि एज ए प्रोफेशनल वी शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी टू सीमेंट द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ रादर देन फ्रेगमेंटिंग द रिलेशनशिप जस्ट फॉर आवर प्रोफेशनल परस्यूट्स. वी एज एडवोकेट्स, एज आई हैव सेड इन अदर वीडियो रिकॉर्डिंग, are also responsible for society. We are not only professionals. We are equally committed to social causes. तो कभी भी कोई मैटर जब डिवोर्स का आता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको, हस्बैंड वाइफ को जो कि ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, उन्हें समझाएं, मीडिएशन करें, कंसिलिएशन करें. आप सभी को ये सब पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं, हमारी टीम निकाले हैं, उनसे मैं आगाह करना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं. सबसे पहले, वेन एवर द मैरिज टेक्स प्लेस विथ रॉन्ग इंटेंशंस, इररिलेवेंट रीजंस, बिकॉज फादर नोज फादर ऑफ गर्ल नोज फादर ऑफ सन. Father of a girl knows father of a boy, or mother knows mother of boy, or the families know each other, cannot be a very good reason for the marriage. Sometimes marrying girl for wealth, salary of boy, that can also not be the only ground for marriage is an affair. It's related to life, and life is not about being able to do whatever you want to do. It's a mixture of happiness, sorrow, ups, downs, gains, losses. It's also about sacrifice. We have to sacrifice something in order to obtain something. And when we choose between two choices, we are sacrificing the other choice. But that sacrifice doesn't mean that we lose something very valuable. It just means that we prioritize a choice. If we understand that, then life will be easy. Otherwise, life will be hellish. कभी कभी मैरिज इसलिए की जाती है कि लड़के और लड़की की उम्र हमारे हिसाब से निकल रही है, बाकी सबकी शादियां हो गई और यही अकेले बच्चे हैं. मैरिज इज फोर्स्ड. मैरिज कभी कभी की जाती है छूट के आधार पर. लड़के की क्वालिफिकेशन ज्यादा बताई जाती है, सैलरी ज्यादा बताई जाती है, लड़कियों के गुण बहुत सारे बताए जाते हैं. नहीं बताया जाता है दैट द गर्ल अबर्स गोइंग टू किचन. कभी कभी मैरिज का रीजन सिर्फ एक रूटीन अफेयर होता है, जिसमें बच्चे पैदा हो, फैमिली आगे चले,
उसमें प्यार की गुंजाइश नहीं देखी जाती है, उसमें फैमिलीज की कॉम्पेटेबिलिटी नहीं देखी जाती है, बल्कि खुदगर्जी देखी जाती है। यू नो दैट योर स्पाउस और रिकमेंडेड स्पाउस इज मेंटली अनस्टेबल, मगर फिर भी आप शादी कर लेते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि घर में पैसा बहुत है। स्पाउस का एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड रिएक्शनरी होना एक बहुत बड़ा रीजन आज के टाइम में डिवोर्स का पाया गया है। एंड आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशन इन सेइंग दैट द सोशल स्ट्रक्चरिंग ऑफ टुडे इज लीडिंग टू दिस साइकोलॉजिकल इशू बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और एक और रीजन जो कि बहुत ऑब्वियस तरह से सामने आ रहा है वह है गर्ल का अपनी मदर को मोबाइल के ऊपर रोजाना अपने घर की रिपोर्टिंग करना, विच इज नॉट लाइक बाय हस्बैंड, विच इज नॉट लाइक बाय हिज पेरेंट्स आल्सो। इवन कि अगर वो एक नॉर्मल एक्सरसाइज भी है तो भी इट जर्मिनेट्स द सीड्स ऑफ डाउट्स। आई थिंक यह एक प्रैक्टिस काफी बड़ा एक अबोरेंट फेस ले चुकी है और ना तो मदर ही पीछे जा रही हैं और ना ही लड़कियां इस मामले को समझ रही हैं। स्पाउस का कंफर्टेबल ना होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, यह भी कॉमन है। सेक्सुअल कॉम्पेटेबिलिटी का ना होना भी काफी सरफेस हो रहा है। शायद पहले ये मैटर्स सामने नहीं आते थे, मगर अब बिकॉज ऑफ सोसाइटी ओपनिंग अप एंड इनहिबिशंस नॉट स्टॉपिंग द हस्बैंड एंड वाइफ इन कन्फेसिंग टू दिस इनकॉम्पेटेबिलिटी एंड लीडिंग देम टू गो फॉर सेपरेशन। कभी कभी स्पाउस का ओवर प्रोटेक्टिव होना, आप कहां गई थी, क्यों गई थी, क्यों जा रही हैं, इस तरह के सवाल और वाइस वर्सा, यह भी एक कारण है जो कि रिफ्ट को पैदा करता है। पैसे की कमी में अक्सर लॉयल्टीज खिसकी हैं आजकल के समय में। When husband has gone into financial doldrums, well, the girls have not supported husband, the wives have not supported husband like their mothers used to support their father. ये एक कमी सोसाइटी में महसूस हुई है। इसके अलावा एक दूसरे के ऊपर अपनी चॉइसेस और अपनी पसंद नापसंद को लादना, यह भी एक माइनर रीजन है। अब इतने सारे जो रीजंस मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें कुछ रीजंस हैं जो कि बहुत खास हैं, और अगर वह रीजंस हटाए जाएं तो मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी काफी हद तक संभव है। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी लेफ्ट फ्री फॉर सम टाइम इन द बिगिनिंग टू एस्टैब्लिश देयर रैपोर्ट। तीसरा, बिफोर गोइंग फॉर मैरिज, बॉय एंड गर्ल मस्ट हैव डिटेल्ड टॉक, ऑल्सो मस्ट सी द फैमिली कॉम्पेटेबिलिटी। ये अक्सर देखा गया है कि जो फैमिली समाज में एक स्तर पर नहीं है, वह आगे जाकर भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। दे विल बी बेटर फिटेड इन द ग्रूव्स इफ दे आर ऑफ द सेम कैलिबर, सेम लेवल। साथ ही
और आखिरी एडवाइस एज ए प्रोफेशनल मैं पेरेंट्स को यही देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के संस्कार डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, बिकॉज टुडे इफ यू डू नॉट अटेंड टू दिस आस्पेक्ट देयर फ्यूचर विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, दे विल नॉट रिमेन हैप्पी बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज एंड इवन आफ्टर मैरिज. थैंक यू.